डीपी यादव जी को शुभकामनाएं। आपके अगले यात्रा की कोशिश के लिए आज तक हम धन्यवाद का इंतजार कर रहे हैं। अगले कोशिश की यात्रा का आज हम इंतजार कर रहे हैं। सुरवर वर्दिनी दूरदर दर्शिनी दुर्मुख मर्शिनी हर्ष रते ऊर कुटुंबिनी पूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य वर्दिनी शैल सुते। ए मुर्गी चल जा। ए बुढ़िया बुढ़िया, ए ऊपर वाली बुढ़िया, चिल्ला रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या बुढ़िया? मैंने कितनी बार बोला तुम्हें कि इस तरह मुर्गी को मत छोड़ा करो, सुबह सुबह मेरे प्राण क्यों ले रही हो? क्या पंडित जी, आकाश के इतने बड़े सूरज को इतनी छोटी मुर्गी कैसे छुपा सकती है? मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बहस कर रहा हूँ। देखो सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होता, घर की इज्जत संभालना बहुत जरूरी होता है, समझ रही हो? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ गौमूत्र लेने आ गए। घर को स्वच्छ करने के लिए चाहिए था इसलिए। वहाँ देखो नहीं तो गाय लात मार देगी तुम्हें। हे, देख आइटम आ रही है। साथ में झांसी की रानी भी है, देख अभी मजा आएगा। कैसी हो रानी? आवारा लड़के, आराम की औलाद जाके अपनी माँ के सामने पड़। क्या बात है भाई, बुढ़िया तो बहुत हिम्मत वाली है, उन लड़कों की अच्छी खासी क्लास ले ली। मुझसे दूर दूर चलती है, जैसे मेरे आने से तेरी इज्जत कम हो जाती है। अभी देखा ना तूने उन कमीनों ने कैसी हरकत की, तू तो जानती है कि बाहर की दुनिया कैसी है। बेटी जरा सुन, किसी से बात बात मत करना, चुपचाप घर लौट कर आ जाना। मैं जानती हूँ तेरी दादी कुछ बोलती है तो तुझे बहुत बुरा लगता है। अरे तू कुछ कहती क्यों नहीं हो? ए, पीछे क्या कर रहा, सीधा खड़ा रहना। कुछ नहीं भाई, सॉरी। मजे ले रहा है, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। तुम जैसे लोगों का भी इलाज है मेरे पास, बताती हूँ। अब ले मजे, उधर देख। अरे कंडक्टर, और कितने लोगों को चढ़ाएगा? अरे जितने लोग हैं उतने काफी नहीं है क्या? अरे अब और लोगों को चढ़ाने की जगह किधर है? अरे तुम लोगों की तरह भीड़ में मैं भी तो चल रहा हूँ, नेताओं की तरह बात करते हैं। अगर तुझसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? हम तुझे ही पैसे दे रहे हैं ना। जो एसी रूम में बैठे रहते हैं उनसे जाकर बोलो, या फिर गली गली जाकर नारेबाजी करो। जो भी आता है मुझे ही कानून सिखाने लगता है। टिकट निकालो। I have written about this problem to the editor of newspaper. ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि इन्होंने बस की प्रॉब्लम के बारे में एडिटर को पहले ही बता दिया है। तो क्या हुआ? अब तक लाखों लोगों ने हजारों बार लिखा है, लेकिन हुआ क्या? कुछ हुआ अब तक? आजकल हम आम लोगों के बारे में कौन नेता सोचता है? लोगों का पैसा कैसे मारे, कैसे करोड़ों कमाए, यही तो सब नेता सोचते हैं आजकल। हमारे बारे में कौन सोचता है? दो भाई एक टिकट दो। ओ भाई आप अपना मुंह बंद कीजिए। ट्रैवल करते समय ही पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, देख के चलना। लेकिन बस उतरने के बाद सब लोग अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। बकबक कर रहे हैं, बकवास बंद करो। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कहते रहोगे तो क्या होगा? कमी तो सभी निकलते हैं लेकिन उसे सुधारने वाला कोई नहीं आ गया था। इस देश में जहाँ भी जाओगे कुछ न कुछ गड़बड़ मिलेगी, लेकिन उस गड़बड़ी को सुधारने कौन आएगा? तुम आओगे या तुम आओगे? सुनो, तुम्हारी तरह बोलने वाले कभी सुधार करने के लिए आगे नहीं आते, और जो सुधार करने वाले होते हैं वो कभी बोलते नहीं है। चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहो। हम गरीबों की सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। हम गरीबों की सहायता कीजिए, हम गरीबों की सहायता कीजिए। कपड़ा दो, कपड़ा दो। अरे कहाँ ये सब निकाल रहे हो? ये खड़ा हो। अरे क्या 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 क्या
वेस्ट, सब बेकार है। वेस्ट, सब बेकार है। कम कम कमल के सफाई कर, आ जाओ जल्दी संभाल के। हम गरीबों को कुछ जान दो, हम लोगों को कुछ जान दो, हम गरीबों को कुछ जान दो। खड़ूस प्रिंसिपल, What's happening? What happened? What's happening? What are you doing with principal's photograph? That's fine. What's going on here? Is this a class or a fish market? Stella, are you taking a class or cracking jokes? I don't like all this. Meet me after the class, Stella. Are you taking class or cracking jokes? I don't like this. Come and meet me after the class. Khusat buddhi. बड़क नगर में 1000 लोगों की भूख से मौत हो गई। इनके मौत की वजह हैं पूर्व मुख्यमंत्री यादव। क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? एक मनुष्य को स्वयं की पूर्ण आवश्यकता के लिए समाज से दूर रहकर उसे कितना महंगा पड़ता है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन गरीब किसानों को और उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए ये अपने जानवरों को कसाई के हाथों सौंप देते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हर रोज 5 में से 2 गाय मर रही है, उसका कारण कौन है? यहाँ मौत क्या गायों की है, मनुष्यों की नहीं? हम अपनी तरह से जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। उन्हें कौन धोखा दे रहा है? ये लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। यहाँ किसी को भी किसी वजह से किसी की भी चिंता नहीं है। और अब जब यहाँ मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं है इस जमाने में, वहाँ गायों की मौत पर कौन रोने वाला है? जब इंसान की अपनी ही जान की कोई कीमत नहीं है, तो उसके पालतू मवेशियों को कौन पूछता है? स्वार्थ की भावना लोगों के दिल में इस कदर बैठ गई है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मौका मिलते ही अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई कुछ भी कर जाता है बिना कुछ सोच विचार किए। इंसानियत और मानवता जैसे शब्द तो आज जैसे बीते जमाने के हो चुके हैं। आज ये लोग हैं तो कल कौन होगा? क्या ये भी हमें ही बताना होगा दर्शकों? सर, सीबीआई के 3 ऑफिसर आए हैं। जल्दी बुला रहे हैं सर। सो बाबू। टोका बच्चा। प्रणाम। ₹950 करोड़। पूछताछ करनी है सर। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स, हिज हेल्थ कंडीशन डज नॉट परमिट फॉर इंटरोगेशन। पिछली दफा जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपके होम सेक्रेटरी मिस्टर ब्रिजेश ने कहा है कि आपने साइन किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज
ये सब एक पॉलिटिकल गेम है हमारे खिलाफ। उस वक्त से चल रहा है जब हम सीएम थे और अभी तक चल रहा है। कौन कर रहा है हमारे खिलाफ ये हमें नहीं मालूम। और आपको क्या लगता है कि हमारे जैसा आदमी इतने सारे पैसे का क्या करेगा हा? राजू लेट्स गो। लेकिन आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उस बारे में हमको जरा भी आइडिया नहीं है। यानी कि हमको पक्का यकीन है कि जब आप लोग हमारे मकान में एंटर कर रहे होंगे तब आपने अपने जेब से रुमाल निकालकर अपने नाक पर लगा लिया होगा, क्योंकि हमारे गाय और भैंसों की गोबर की बदबू आपको बर्दाश्त नहीं हुई होगी। लेकिन हम उस गोबर की बदबू को सुबह से शाम तक झेलते हैं, सूंघते हैं, क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा में समा चुकी है सर। हमारी रग रग में समा चुकी है। यानी कि हमारी प्रजा के लिए हमारी खाल हाजिर है सर। आप मत बोलिए प्लीज। हम अपनी प्रजा को हक देते हैं कि वो हमारी खाल नोच कर उससे जूते चप्पल बनवा ले सर। अपना ख्याल रखिए सर, आप मत बोलिए। आप हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम पर, हम जैसे बंदे पर सर। मैंने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए। सर मत बोलिए सर। सर आप जरा संभालिए अपने आप को सर। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर, आप बोलिए मत सर प्लीज। ऑफिसर इनकी ईसीजी रिपोर्ट बराबर नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। इनकी तबीयत ठीक होने के बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके वेलकम अगेन। हां जी और श्रीदेवी सुबह सुबह गोबर करके मचल रही हो, शादी करवा दे तुम्हारी। कहाँ कहाँ लगा रखा है गोबर। अरे 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 बंसिया संभाल कर ले जाएगा खेतों के बाहर ले जा। और माधुरी दीक्षित ऐसे पोज बना कर खड़ी हो जैसे कि अभी अभी गोबर के ऊपर छैया छैया करके नाचना शुरू कर दोगी। नाचोगी? आ जाओ। Thank you.
ये तो मिनिस्टर का है ना? जी सर। देखिए वो बंद कर कभी नहीं। देखिए हम मंत्री हैं। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का उनके घर से संध्यात्मक ढंग से अपहरण कर लिया गया। नमस्कार, बड़क नगर के पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी का आज उनके निवास स्थान से गुप्त रूप से अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। उनके घर से काफी किलोमीटर दूर एक जगह उनका स्वयं का ट्रैक्टर अज्ञात जगह पर पाया गया। पुलिस छानबीन कर रही है। इस ट्रैक्टर में ही मुख्यमंत्री का अपहरण हुआ है, ऐसा पुलिस को संदेह है। आखिर असली अपहरण तुम्हारा तो अलग अलग शहर में ट्रांसफर होता रहता है, कभी कभी यहाँ आते हो, पर तुम्हारी बेटी कहाँ मेरी बात मानती है? शहर भर की लड़कियाँ अपने घर पहुँच गई होंगी। पता नहीं इसे इतनी रात को क्या काम है। अगर मैं कुछ पूछूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। इस अपहरण से सतर्क होकर शहर की सुरक्षा बढ़ा दी। बेटा जरा सुन, अब बंद कर इसे। कि शहर में और भी अपहरण हो सकते। तुम लोगों को आए कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई है। वो हमेशा ऐसा ही करती है, कुछ न कुछ बहाने बनाती रहती है। ऑटो में दो तीन लड़कों ने छेड़ दिया, स्पेशल क्लासेस थी, टाइम पर बस नहीं आई। इसी तरह हमेशा बहाने बनाती रहती है। मैं तो इसे जीत ही नहीं सकती। देख देख लगता है आ गई है। प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं, दो तीन झापट लगा देना उसे। सुन रही है ना, तू चुप रहना। आ गई। हाय मॉम, हाय डैड, हाउ आर यू? बात मत कर। डैडी। तुम लेट क्यों आई हो? डैडी आपने फ्रेंच क्लास के एडमिशन के लिए जो पैसे भेजे थे ना, वो दादी ने मुझे दिए ही नहीं। मैंने कहा था ना बहाने बनाती है। देखो अब बात मत पलटो, उन पैसों का क्या किया आपने? अब बताओ डैडी को, बताओ बताओ, खुद ही रख लिए होंगे। एक थप्पड़ दूंगा, भरोसे ऐसे बात करते हैं? देखो ना मम्मी, डैडी मुझे ही डांट रहे हैं। मम्मी पता है मुझे आइसक्रीम खाने के लिए भी पैसे नहीं देती है, सारे पैसों से पान खरीद लाती है, गंदी दादी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है, चुप। मम्मी तो चल बेटी, देखा तुम्हारे सामने कैसे बातें करती है, इसे तो मैं कल ठीक करूंगी। बड़क नगर के पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी को आज वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, थोड़ा रिवाइंड करो प्लीज। हाँ फ्रीज फ्रीज फ्रीज, कैन यू जस्ट एनलार्ज इट? मैंने यही नोट किया था, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे इट। अपहरण करने वाले ने सांस लेने के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया होगा लगता है। इट्स ओनली गेस। इसे ऐसे ही मैक्सिमाइज करके इसके कॉपी हैंडल करने वाले एसीपी को भेज सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। वेलकम। आजकल तुम कहां पर हो? रानी हिल, केरला बॉर्डर। सी यू। हां, ही इज वेरी स्मार्ट। बिल्कुल, वरना बड़क नगर केस के क्लू के बारे में इन्फॉर्मेशन देने इतनी दूर आता क्या? ही इज वेरी सिंसियर मैन। ऐसे लोगों के होने की वजह से ही लोग हमारे डिपार्टमेंट पर भरोसा करते हैं। भुवनेश्वर के एसपी को आप लाइन पर लीजिए। यस सर। यात्रा समाप्त हुई, इंतजार कर रहे हैं। सावधानी से बीपी यादव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सेलम जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। अटेंशन पैसेंजर्स, जैसे ही स्कूल की छुट्टियां शुरू होगी इसे वहां लेकर आ जाऊंगी। चलती हूं मां। और हां, तुम जरा संभाल कर जाना और टाइम पर खाना खाते रहना। वो मां, दीपा फ्रेंच क्लास ज्वाइन करना चाहती है, ये लो अपने हाथों से फीस जमा कर देना। क्या जरूरत है, ये सुबह स्कूल जाती है, शाम को घर पर आती है, उस पर से अलग क्लासेस की क्या जरूरत है? नहीं माँ, दीपा ठीक टाइम पर घर आ जाया करेगी। एक और भाषा जानने की तो अच्छा है ना। देखो ठीक 7 बजे घर पर आ जाना, ठीक है? ये लो। बेटा तू कह रहा है इसे मान रही हूँ, अगर 7 बजे के बाद घर पर आई तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, समझा दे इसे। चलती हूँ। ओके टेक केयर, टाइम पर घर आ जाना, माँ को परेशान मत करना। बाय बाय। पहुँचते ही फोन जरूर कर देना। क्योंकि पब्लिक के बीच में सिगरेट पीते शर्म नहीं आती तुझे? ऊपर से मेरी बच्ची के ऊपर धुआं भी फेंक रहा है। ए पुलिस, तमाशा क्या देख रहे हो, इसे अंदर करो। चल दे, चल। हाँ
यहाँ क्यों लटका है? चल भाग यहाँ से। अरे अरे सुनिए, कौन है तू? जल्दी ट्रेन में क्यों चढ़ा है? चोर है ना तू? सर ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हैं? दो चार हाथ लगा के छोड़ दे। सर मैं पूछ रहा हूँ ना। अरे भाई वो पूछ रहे हैं ना, आप लोग अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रहे हैं? आप इस लड़के को भी कुछ बोलने दीजिए। आपको अक्ल नहीं है क्या? आपका क्या जाएगा, सामान जाएगा या पैसा? आप तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर फ्री में सफर कर रहे हैं, नुकसान तो हमारा होगा ना। सर सर इसका बैग चेक करिए, इसके बैग में बम हो सकता है। चुप रहिए आप लोग। बैग निकाल, बैग खाली कर, अपना दिखाओ क्या इसमें। आप समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, जल्दी में इस कंपार्टमेंट में चढ़ गया था, माफ कर दीजिए। अगला स्टेशन आते ही मैं जनरल कंपार्टमेंट में चला जाऊंगा, प्लीज विश्वास कीजिए। टिकट तो है लेकिन इसी ट्रेन का टिकट है क्या? जरा देखिए ना, हो सकता है कोई बोगस टिकट हो। अरे टिकट है ना, चलो 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 चलो। अच्छा चलो चलो चलो। माँ ने मछलियाँ बनाई थी वो कहाँ है? हे भगवान मैं तो भूल ही गई। हाँ माँ की चीजें ऐसे ही भूलते रहो। हमने स्वतंत्रता दिलाई ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता अब रह कहाँ गई? दबा के खाया होगा। अरे बाप रे! अरे जल्दी देखो अगले डिब्बे में कोई डॉक्टर है क्या? जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हाँ चलिए आप देखिए, मैं दूसरे डिब्बे में। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? ए भाई तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। वो सब ठीक हो जाएगा। तुम रहने दो। सर मैं देखता हूँ। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो ना। पेशेंट इसी में है ना? जी डॉक्टर। इनका फर्स्ट एड किसने किया? पता नहीं कौन था डॉक्टर, दिखने में तो चोर दिख रहा था, उसने ही इसका फर्स्ट एड किया। उनके फर्स्ट एड से ही आपके पति की जान बची है बहन। He is perfectly all right. आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम देखते हैं कि गंदे कपड़े पहने हुए है कोई, तो हम उसे चोर की उपाधि दे देते हैं। उस बेचारे ने इसकी जान बचाई है, लेकिन हम उसे धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं कह पाए। क्या जमाना आ गया। वाले पेपर में नमकीन बेचता है। और के लिए खरीदते हैं? बेवकूफ। सुनिए वरदराज पीडब्ल्यूडी वाले वो कहाँ रहते हैं? क्या बुड्ढे ये किसके लिए पूछ रहा है? अरे चाहे तू चुप रह। आप कहाँ से आ रहे हैं बाबू? गुलुमला डैम से आ रहा हूँ। उसी डैम के पास तो इनका ऑफिस है बाबू। गलती से ऑफिस चला गया। के घर जाना है, उनका घर पीडब्ल्यूडी का घर वो है ना। हाँ। जब तुम उस पहाड़ पर चढ़कर उतरोगे
तो जो पहला घर है वो उसी का है। हाँ, इसने बताया ना, वही एड्रेस है, आप जाइए। क्यों बेगवार, इंजीनियर को क्या बोला तूने? पीडब्ल्यूडी है। जा रे अक्कल के दुश्मन। अब किससे मजे लें, टीवी से ही मजा ले सकते हैं। शादी करवा कर 3 महीने बाद ही तुम्हें बुला कर ले गए। सुशीला, तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ देख ले। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने। इसके साथ चखना भी चाहिए था। चलो फील कर लेते हैं, चिकन टिक्का। हड्डी थी। यस, पता नहीं कौन आ गया मेरे शराब में मुंह मारने के लिए। वर्धराज, तुम ये औरतों की तरह सीधा घर में घुस गया। ए, ए, अरे कौन है तू? अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? ये क्या, अरे नीचे गिरा हुआ सामान क्यों उठा रहा है? समाज सेवा क्या क्या तू? अरे ऐसे चुप रहकर मुझे कंफ्यूज मत कर, बता तू कौन है? अरे अरे ये मेरी बीवी की फोटो है। अरे ये तेरी बहन जैसी है। अरे बाप रे, ये कौन है पता नहीं। अरे भाई ये मेरी लूंगी। ए, तू क्या समझ रहा है बे? है? अभी जाकर मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। है? अरे तूने समझा क्या मेरे को? मोटे सांड, तू कैमरे वाला राजू है ना? अरे क्या बात है, क्या बात है, कितने साल हो गए। वो क्या है ना, मैं नशे में था इसलिए पहचान नहीं पाया। मैं समझ रहा था, वही नजरे, थोड़ी देर के लिए तो मैं हिल गया था। अच्छा मेरा एड्रेस कैसे मिला तुझे? अपने दोस्तों से मिला था क्या? एनीवे, इतने सालों बाद तुझे अचानक देखकर दिल को कितनी खुशी मिली पता है तुझे? ये क्या, तेरा सर भीगा हुआ है? रुक जा, अभी दूर करता हूँ ठंडी। ओरिजिनल रम है, मिलिट्री वाला। क्या पीना छोड़ दिया क्या? यहाँ हिल स्टेशन में हम लोग चाय या कॉफी नहीं पीते, रम पीते हैं, वो भी बिना कुछ मिलाए, तभी यहाँ की सर्दी जाती है। ये देख, थोड़ी देर में चली जाएगी। और हाँ, हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे ना, मूर्ति, कुमार, सेन और मुकेश, उन सब की शादी हो गई क्या? मेरी शादी हुए 5 साल हो गए, वाइफ पेट से है और अपने माँ के घर गई है। वर्धा, मुझे यहाँ एक पर्सनल काम है, उसके लिए अलग से रहने के लिए कोई रूम हो तो बताना, मेहरबानी होगी। क्या कहा, अलग से रहने के लिए रूम? ए, गुस्सा मत दिला वरना तू जानता है ना मुझे। ए, वर्धा। ए, तो फिर तू मेरे पास यहाँ क्यों आया है? इतने सालों की दोस्ती का यही मतलब है क्या? तू यहीं रहेगा, ओके? बीवी को आने में भी 3 महीने लगेंगे, तब तक मैं बैचलर हूँ, तू आराम से रह। राजू, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैं देख कर आता हूँ, तू ऐसे ही बैठे मत रहना, जाके कपड़ा चेंज कर ले। अरे इतनी रात को कौन आ गया, कोई क्लासमेट है या ग्लासमेट? अरे भूत आ गया। मैं हूँ वर्धा। भाभी आप हैं? खाना बनाते वक्त गैस खत्म हो गई, आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या? हो तो दीजिए ना। वर्धा, अरे अंधेरे में क्या कर रहा है? बाप रे, भाभी मुझसे एक्स्ट्रा सिलेंडर मांग रही है, इसलिए खींच रहा हूँ। राजू थोड़ा मदद करना। इसे मत खींच, फटवट गया तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा सिलेंडर यहाँ है ना। अच्छा, एक चूल्हे में लगाओ तो दूसरा फ्री रहता है। अब बीवी नहीं है ना। नहीं पीनी चाहिए कि होश ही गुम हो जाए, वो नीट पीने की आदत है ना। चल अब गैस लेकर मेरे पीछे पीछे आ। भाभी, हाँ? ये मेरा दोस्त है, इसको कहीं गलती से आप गैस सिलेंडर वाला मत समझ लेना। आप आगे आगे चलिए, हम लोग गैस लेकर आपके पीछे पीछे आते हैं। अरे फिसल रहा है, संभाल के संभाल कर चल, नहीं तो गिर जाएगा। मैंने काफी पी ली है, भाभी के साथ अंदर नहीं जा सकता। ये क्या भाभी, मछली को काटे बिना मसाले में डाल दिया? इसे काटते भी बिल्कुल है? अरे 100 तरीके हैं मछली काटने के। मैं वेजिटेरियन हूँ और वो नॉन वेजिटेरियन। हमारी शादी के इतने साल बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ नॉन वेज बना कर दो। मछली तो उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए ऐसे भी मुझे सीखना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाभी, कच्चे केले की सब्जी जैसे बनाते हैं ठीक वैसे ही मछली भी बनती है। पहले मछली को लेकर इसका सर काटना चाहिए ऐसे, हाँ। उसके बाद घुमाकर पूंछ काटनी चाहिए, उसके बाद वो केले का छिलका हटाते हैं ना, ठीक वैसे ही इसे साफ कर देना चाहिए बस। फिर धोकर मसाले में डालकर इसे तेल में फ्राई कर दो। तुम्ही हो माता, दर्शन दे भगवान दर। क्या हुआ वर्धा, बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ अंदर, आ जाओ।
क्या हुआ, पिए हुए हो? नहीं, रुक जाओ, मैसेज करता हूँ। सर सुनिए सर, सर कहाँ पर है? सर सर धर्मपुरी में है ना, सुनिए सर, अभी फोन करता हूँ मैं। सर प्लीज सर, आप तो फैमिली के साथ है ना, मैं बैचलर हूँ ना सर, तो बैठ के पीते रहोगे? ये फिश फ्राई की खुशबू कहाँ से आ रही है? मछली खाकर आए हो क्या? लिक्विड ही पिया सर, सॉलिड कुछ भी नहीं खाया। खुशबू यहाँ से आ रही है। एक वेज ने नॉन वेज बनाया, कमाल हो गया। ये तुमने ही बनाया क्या? मैंने नहीं, इनके दोस्त ने। कौन है? यही है मेरा स्कूल का दोस्त राजू, ये मछली बना रहा था। इसको आप मिलिट्री स्कूल का खाना बनाने वाला मत समझ लेना, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हमारा घर आजू बाजू था गांव में, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में हम साथ साथ पढ़ते थे। बहुत दिनों बाद आज मुझसे मिला है। कैटरिंग इसकी हॉबी है, लेकिन मेन हॉबी फोटोग्राफी है। वही थैंक्स बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया। एनीवे थैंक्स। चंदन जी, मुझे डैम पर नया काम मिल गया है, पता है आपको? मछली, झींगे और सीपियां सब लाकर दूंगा भाभी को, मस्त खाना बनाएगी। कल झींगे लेकर आऊंगा। How are you? Je suis bien. I am fine. Et vous? Je suis bien aussi. I'm also fine. This is all for today. Don't forget to take your exams on your way out. Adima? मुझे तो लग रहा है मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। How about you? Not bad. ए दीपा, ये दिशा के टेस्ट पेपर है, आज वो छुट्टी पर है। उसके घर जाकर दे दोगी तुम? लेकिन मैं दिशा के घर कभी नहीं गई। तुम्हारे घर के पास ही रहती है, ढूंढ लेना ना। Hello everybody and welcome to Sensational 6 and well we have got a great song lined up for you. So what you guys need to do is go ahead watch the songs. It's gonna rock your mind and make you dance on the tune. So let's all go enjoy the song and hey, don't forget to be back. Ready? Back up. Disha? Hey, what a surprise. How are you? कितने दिनों से तुम्हें घर बुला रही थी, आई क्यों नहीं तुम? Let's go up. Come, come. ये किस चीज की शूटिंग? वी चैनल है ना, उसमें एक इंडियन प्रोग्राम में मैं ही वीजे कर रही हूँ। वीजे मतलब? यू डोंट नो वीजे? वीडियो जॉकी। हे जस्ट रिलैक्स, चिल इन द रूम, आई विल बी बैक। ओके। क्या बात है रिकी मार्टिन, वाह। ये सब मेरा ही है, जो चाहिए ले लो, बाद में आराम से दे देना। हा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। हे डोंट बी फॉर्मल यार, सिट। क्लियर है ना? हाँ है ना, लेकिन खराब पड़ा है। ये हाथ में क्या है? लास्ट वीक के जो टेस्ट पेपर्स थे ना, वही तुम्हें देने आई थी। तुम हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में ही घूमती रहती हो, सोती भी स्कूल यूनिफॉर्म में हो क्या? बुढ़िया दादी बहुत स्ट्रिक्ट है। बुढ़िया दादी? टू पीपल? नहीं नहीं, ग्रैंड मदर, मेरे डैडी की मम्मी। ओके ओके, अच्छा क्या पियोगी बताओ? कोक या बियर? नो नो, पी ले, कुछ नहीं होगा, ले। नहीं नहीं, मैं प्लस टू हूँ। एल के जी मीन्स लवेबल किसेबल गर्ल। मैं जा रही हूँ। प्लीज 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 गाइस, चिल आउट गाइस। दीपा प्लीज रिलैक्स, ये सब मजाक कर रहे थे। इन सब से नाराज होकर यहाँ आना छोड़ मत देना। हाँ आओगी ना? आओगी ना? हाँ आना, हाँ जरूर आना। एक बात कहूँ बाबा, जैसे ही मेरी पोती जवान हो जाएगी आपके मंदिर लेकर आऊंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी मैंने, पर उसे पूरी नहीं कर पाई। जल्दी ही वो मन्नत पूरी कर दूंगी बाबा। अभी जो अमावस आ रही है ना, उसी में मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। अपनी बातों को मत भूलना, मत भूलना। क्या करे बहन, इस बुढ़िया को निकाल दम कर दिया है, अनपढ़ गवार कहीं थी, ये तो रोज का झमेला है। जो आए सुख पाए, अपने बच्चों का दुख भगाए, अपने बच्चों पे बुरी नजर को। सुनो बेटी, झट से बैठ भगाए, बैठ जाओ भगाए। देवी रक्षा करो, रक्षा करो, हम काली नजर से, बुरी नजर से मेरी बेटी को सबसे बचा कर रखना, बुद्धि दे, अच्छी पढ़ाई करे, रक्षा करना। इस माँ का शांत मन को शांति दे, शांति शांति त्रिविध शांति शांति शांति।
आज की प्रमुख खबरों में स्कूल की छत गिरने से 86 बच्चों की मौत हो गई है। इस संबंध में पूर्व आईएएस अधिकारी राजशेखर की कोर्ट में सुनवाई है। आज भूतपूर्व आईएएस अधिकारी राजशेखर पर स्कूल की छत गलत ढंग से बनवाने का इल्जाम है। इसी संबंध में पूछताछ के लिए आज उन्हें कोर्ट में लाया गया है, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। ऐसा इनके वकील महेंद्र प्रताप ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो कोर्ट की कार्यवाही अगली 15 तारीख को रखी जाती है। एक इंसान होने के कारण कोर्ट इन्हें आबो हवा बदलने के लिए किसी दूसरे शहर जाने की अनुमति देती है। सर, जब भी आपके पापा को पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया जाता है, उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। कोर्ट में जो मेडिकल कॉपी दी है वो क्या हमें भी देंगे? आपके पिताजी को क्या हुआ है बताइए। प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। कोर्ट में ऐसी तबीयत खराब हो जाती है। क्या बात है सर, हर बार गुनहगार एक एक नया बहाना बना देते हैं। आप लोग खोल के बात क्यों नहीं करते हमसे? वो लेडी रिपोर्टर क्या कह रही थी? बोलता हूँ, अच्छी तरह बोलता हूँ, तुझे धंधे के केस में फंसा कर अंदर करवा दूंगा। तेरा परिवार आत्महत्या कर लेगा, समझी? हाँ, चल जज को फोन लगा। करता हूँ। अरे चंदन पांडे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। आ गए क्या? अभी तो गए वो। ये क्या सर, कोर्ट में एक्टिंग की थी? ये क्या ड्रामा है सर? क्या भाई, थोड़ी भी समझ की बात नहीं कर रहा है, वो बड़े अधिकारी हैं, समझा करो। मैंने जो जगह बताई थी ना जी, वो यही है, कल सुबह जाएंगे। ओके डैडी। अभी आया सर। आओ मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सर, आप यहाँ 15 दिन ठहरने वाले हैं, उस दरमियान आपकी सुरक्षा इनके जिम्मे है। एएसपी चंदन पांडे। एसी कार कहाँ है? अपने लॉयर ने कार भिजवाई है सर। एम्बुलेंस लेकर क्यों आए? पांडे आओ। सर, आप जो भी बोलेंगे ये करके देंगे सर, बहुत अच्छे आदमी हैं ये। इसीलिए एम्बुलेंस मंगाई है क्या? चंदन पांडे एएसपी। अच्छा, डायरेक्ट पोस्टिंग है या प्रमोशन है? चंदन पांडे आईपीएस। आई एम राजशेखर आईएएस। क्या यार, तुम भी आते ही खींचातानी शुरू कर दी। करोड़ों का घोटाला करने वाले भूतपूर्व आईएएस अधिकारी राजशेखर के ऊपर करोड़ों की संपत्ति छुपाने का आरोप है। इसी संबंध में जब वे अधिकारी थे तब उन्होंने सरकार के खजाने में से बच्चों के स्कूल के पैसे का लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसके विषय में उन पर जांच चल रही है। अरे भाई, हमारे लोगों को कुछ पता वाता तो है नहीं, अगर छानबीन करेंगे तो पता चलेगा। हजारों करोड़ों तो यूं ही छुपा छुपा कर रख लिया होगा। क्यों भाई, इतने पैसों का ये क्या करेंगे? पापड़ खरीदेंगे और क्या बे? यहाँ न्यूज पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमारे बच्चों के स्कूल के पैसों का घोटाला करके ये कोर्ट में नाटक कर रहा है और सच धजकर पुलिस के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहा है जैसे उसके बाप के बर्थडे में खिंचवा रहा हो। तुम लोग मजाक कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम सब गंवार ही रहोगे। जा भाग यहाँ से। तुम लोग नमक रोटी में ही परेशान रहोगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? धरती के बोझ हो तुम लोग, नहीं सुधरने वाले। अरे रे, ये क्या हो गया? संभल कर काम नहीं कर सकते क्या? चलो जल्दी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तुम जाओ यहाँ से। ड्रॉप। Drop. 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 Drop.
राजू क्या हुआ? राजू क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट बॉक्स मुझे नहीं चाहिए। ये क्या कर रहा है? इससे ठीक हो जाएगा? वो सब नहीं होगा। तुम्हें मेरी म्यूजिक एल्बम करनी ही पड़ेगी। अगर दादी को पता चला तो डेफिनेटली करने वाली हो। यू आर डूइंग इट। ये ओके, ऊपर के कमरे की चाबी दो ना, कपड़े चेंज करने। थैंक यू। कम ऑन गाइस, गेट योर ग्लास फॉर शैंपेन। कम ऑन। हाय इडियट। अरे चाहिए, पीछे हटो, बाहर जाओ। नहीं, दिशा, नहीं, दिशा। ये ले बल्ब, जल्दी लगा। जी सर। क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है? कल ही काम करने के लिए कहा था ना? कल बुलाया था सर, लेकिन आज आए हैं। चिंता नहीं करें, काम हो जाएगा। नहीं आया, इसका बहाना मत कीजिए। किसी काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहिए। अंदर वाला कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना? सिक्योरिटी मस्ट बी वेरी वेरी टाइट। ओके हेलो। हाँ हो, देखो तुम्हें बुला रहा है वो। नहीं, तुम इधर आओ। ये चंदन की खुशबू और मालिश की जोड़ी से शरीर का सारा दर्द दूर हो जाता है। भास्कर। हाँ डैडी। सिगरेट दे। आज रात को तू क्या खाना चाहता है? चिकन मटन जैसा मामूली आइटम नहीं होना चाहिए डैडी, समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल? हाँ। तूने कभी हिरन का गोश्त खाया है क्या? नहीं, खाया तो नहीं है, सुना है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ? आज खा लेंगे। पांडे। आई एम चंदन पांडे। मैं ये चंदन वंदन रहने ही नहीं देता, काट कर फेंक देता हूँ। अच्छा, अगर खाली पांडे बुलाऊं तो छोटे हो जाओगे क्या? मेरे बेटे की इच्छा है, वो हिरन की गोश्त खाना चाहता है। जल्दी से बंदोबस्त करो। सर आप आईएएस ऑफिसर हैं, संसद में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हिरन को मारना कानूनन अपराध है। क्या अपराध है? अगर कोई रिपोर्ट करे तो अपराध है। दो कार टकराती है तो इंसिडेंट कहते हैं, अगर उसकी रिपोर्ट हो गई तो एक्सीडेंट। अगर तुम हिरन को मार कर ले आओगे तो क्या उसकी माँ आकर कंप्लेन लिखाएगी, या फिर उसकी खाल को तुम बाजार में बेचने वाले हो? यह सब कहने की बातें हैं पांडे। आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है सर। पांडे, आर यू सजेस्टिंग और इंसल्टिंग? मैं डीजीपी के घर पर नाश्ता करता हूँ और गवर्नर के घर पर कॉफी पीता हूँ। सारे अधिकारी मेरे एक इशारे पर मेरी सेवा में लगे रहते हैं। मुझे जवाब देने की किसी की हिम्मत नहीं होती। 20 साल नौकरी करते हो गए लेकिन फिर भी तुम अभी तक बदले नहीं। एएसपी में पोस्टिंग हुई, चार्ज मेमो लेकर घूमते रहे, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ। तुम सारी जिंदगी एएसपी ही बने रहोगे? तुम्हारी सर्विस रिपोर्ट अप टू डेट कैसे बता रहा हूँ, देख रहे हो ना? वो होता है आईएएस। जाओ बंदोबस्त करो। और क्या चाहिए बेटा? बॉटल डैडी। ए, पान मंगा रहा है तो चूना उसके साथ ही आएगा ना, ये इतना बेवकूफ है क्या? हैं? क्यों भाई पांडे? पांडे, इस वर्दी का कड़कपन वर्दी पर ही अच्छा लगता है, हर जगह नहीं। मैंने जो कहा, जाकर जल्दी से उसका बंदोबस्त करो। सर क्या कहा? सर सर सर
क्या बात है सर, अपने घर की बजाय यहाँ आ रहे हैं, टेंशन में लग रहे हैं। सर क्या हुआ सर? एक सिगरेट दो। किसने बुझा दिया इसे? कौन है बे तू? सांप के बेड पर ऐसे आराम से सोया हुआ है? चलो उठ रहे। ए सुनो जरा पहन दो। अरे अरे भाई क्या कौन है? अरे अरे सुन एक पैक देना जरा। वो पांडे गोश्त लेकर आया या नहीं? है कौन है वहां? कौन है वहां? चलिए चलो।
क्या हुआ? वो ले गया पापा को। पापा को क्या हुआ? पापा जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। राजू, सास का फोन आया था, वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, मैं दो चार दिनों में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, बाय। भारत के प्रथम राष्ट्रपिता थे, सब उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। भारत को भैया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ठीक है ना? सही है। कहाँ गए ये लोग? पता नहीं। क्यों किडनैप किया? पता नहीं। सारे लोगों को किडनैप कैसे किया गया? इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है इसमें। क्या करूं इस रिपोर्ट का? ब्लडी यूज़लेस। पता चला उस समय तुम स्पॉट पर नहीं थे। कहाँ गए थे? सर वो बोलो ना। सर थोड़ी देर के लिए घर गया था। घर जाकर अपनी बीवी के पेटीकोट में नाड़ा डाल रहे थे सर, या फिर लूडो खेल रहे थे? क्या कर रहे थे? किडनैप करने वाले के साथ लगता है तुम्हारा कोई कनेक्शन है। मुझे शक हो रहा है इस बात पर। सॉरी सर, रानी मले से सर की मिसेस का फोन है, अर्जेंट बात करना चाहती हैं। सुनो, सब जानता हूं मैं। आईएएस राजशेखर जी से शुरू से ही तुमने गलत व्यवहार किया था, हाँ या ना? सर वो बात और थी, ये बात और है। सुनो, हर महीने लिफाफे में रखकर जो सैलरी तुम्हें गवर्नमेंट से मिलती है उससे अपना फर्ज निभाओ, और जो हरे हरे करारे नोट तुम्हें सूटकेस में रखकर मिलते हैं उससे तुम अपना विश्वास जीतो। देखो, साहब को बिना कुछ नुकसान के बचाना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही है। अगर ये नहीं हो सकता तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यस सर। हेलो, क्या हुआ गायत्री? क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे। क्या हुआ गायत्री, इस तरह से वो यहाँ अचानक क्यों आ रही है और किसे पूछ कर आ रही है वो? कुछ नहीं पता, जल्दी जल्दी मैं फोन किया था, आने के बाद पूछ लूंगी। गायत्री मैं यहाँ एक I'm in a very bad situation, try to understand that। ट्रेन आ जाएगी, उसे स्टेशन से लाना है। ठीक, इतना ही तो काम। ठीक है। एक कोचिन। कोचिन एक्सप्रेस कब आ रही है? एक घंटा लेट है सर। ओके। हेलो,
यात्रा पूरी हुई, संभाल कर रखा है सावधानी से। देखो तुम मेरा एक काम कर दोगे, मेरी बेटी मद्रास से कोचिन एक्सप्रेस में आ रही है, उसे पिकअप करने ही आया था लेकिन एक जरूरी मैसेज आ गया, मुझे जाना होगा, तुम उसे घर ले जाकर छोड़ दोगे? ओ आई एम सॉरी, तुमने मेरी बेटी को तो देखा ही नहीं है, शी इज दीपा, ये लो उसकी फोटो है, देख लो प्लीज, थैंक यू, चलो जल्दी। एक बात तो बताओ, तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है? आइए मैडम, हाँ आप लोग जाइए, एक्सक्यूज मी आपका बैग दिखाइए, सॉरी सर, एसपी के दोस्त हैं ये, सुनो उनकी बेटी को रिसीव करने आए हैं, आप जाइए सर, आप जाइए सर, अंदर जाइए माँ जी, जाइए जाइए। हेलो, मेरा नाम राजू है, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, वो तुम्हें रिसीव करने आए थे पर किसी अर्जेंट काम से चले गए, उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा है, आइए चलिए। कम यही है क्या? नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटी। सर कोई जीप का इंतजाम कर दूं? नहीं है। ठीक है। मुझे कुछ मालूम नहीं सर, बता कहां नहीं, गया सर है वो? मैं कुछ नहीं जानता सर, सर मैं कुछ नहीं जानता, झूठ बोल सर, सर डीआईजी का फोन। किसी को अरेस्ट किया क्या? नहीं सर। मेरे पास ऊपर से फैक्स पर फैक्स आ रहे हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ? सर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उसका रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ सर। मुंह बंद करो, सुनो इमीडिएटली रिपोर्ट लेकर मेरे ऑफिस में नजर आओ। सर रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई सर, अभी एक नया क्लू मिला है बस। व्हाट आई से दैट्स ऑल। यस सर। सुनिए जी, सुनिए ना, उसे देखिए, जब से आए हैं चेहरा लटका रखा है, अब जरा पूछिए ना क्या हुआ है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जा रहे हैं, आपको ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? क्या समझ रखा तुम लोगों ने? अभी इस वक्त ऐसी कहानी सुनने की सिचुएशन में नहीं हूँ। hey, तुम्हारी और दादी की क्या प्रॉब्लम है? क्यों दोनों की नहीं जमती है? बड़ों की बातें सुन नहीं सकती हो? बड़ों के दिल को ठेस पहुँचा कर यहाँ पर प्यार दिखाने आई है? आधे समय कहीं डूब के मर जाती तो पीछा छूट गया होता मेरा। ये लड़की पैदा की है तुमने, है? कैसे बाप है आप? आपके लिए बीवी बच्चे परिवार कुछ मायने रखते हैं? ऐसा कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हो? रुकिए सर, सॉरी। ये क्या सर, आप उन पर हाथ उठा रहे थे? गलत है सर। तो मैं क्या करूं राजू, कोई कमी ना उसे उठा कर ले गया, वो बस एक बार मेरे हाथ लग जाए लेकिन जब तक उसे नहीं पकड़ता सीनियर्स मुझे जीने नहीं देंगे। अब मैं उन्हें जवाब दूं या फिर मैं बैठकर इनकी परेशानी सुनूं, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। अगर तोड़ना चाहें तो नए पुल भी टूट जाते हैं, गिरे फूल नए पौधों को जन्म देते हैं,
देश को बर्बाद कर रहे खरपतवार को उखाड़ते समय अच्छी फसल भी उखड़ जाती है, पर ना घबराना ही धर्म है, डगमगाना अधर्म कहलाता है। दीपा, 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 दादी माँ, दीपा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। अगर तुम यहाँ सिर्फ रोने के लिए आई हो तो मैं इंतजार करता हूँ, मन हल्का कर लो। आप कौन है? मैं क्यों आई हूँ? मैं क्या करूँगी? आपको क्यों बताऊँ? मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, मेरी मर्जी है। मेरे बारे में आप जानते क्या है? जानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, कान के बालों से छेड़खानी करते हुए और तुमसे छेड़खानी करने वालों को सजा देते हुए। सब कुछ देखा है मैंने दीपा, जरूरतमंदों के लिए दान पात्र में पैसा डालते हुए भी। वो ही असली दीपा है। तुम अब वो दीपा नहीं रही। तुम्हें क्या परेशानी है वो मुझे नहीं पता। अपनी परेशानी को मन में दबा रखा है, किसी से कह नहीं पा रही हो लेकिन कहना चाहती हो, इसीलिए यहाँ आई हो। लेकिन उसके लिए ये जगह और समय ठीक नहीं है। आओ। प्रॉब्लम बताने से सॉल्व होगी या नहीं नहीं जानती, लेकिन आपसे कहने का मन कर रहा है। मैं और फ्रेंच क्लास की दिशा, दीपा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रो रही हो? तुम रो मत, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ ये सोचकर आगे बढ़ो। अगर सोचोगी कि एक भी कांटा पैर में ना चुभे तो ये गलत है, दोनों ही होते हैं। अब देखो, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये दोनों ही जीवन के पहलू हैं, यही प्रकृति है। जिंदगी में मिलने वाले हर एक अनुभव एक सीख होती है, हर बार हमें कुछ ना कुछ नई सीख मिलती है। हमें जब अच्छा अनुभव मिले तो खुश रहना चाहिए, और जब खराब अनुभव मिले तो सीख लेनी चाहिए।
तुम्हारी इस परीक्षा में तुमने अपने अंदर की ताकत को पहचाना, तुम्हारी संस्कृति को तुमने जाना। इस अनुभव के लिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए दीपा। आपने मांस का टुकड़ा लैब भेजा था, उसकी रिपोर्ट आ गई है सर। टिश्यू एनालिसिस से पता चला है कि उसकी उम्र 25 से 30 के बीच होगी और उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है सर। मिस्टर राजशेखर की रिपोर्ट क्या है? उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है सर। अब तक अगवा किए गए लोगों की केस रिपोर्ट अगर ध्यान से देखी जाए तो हर एक आदमी के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और सारे लोग किसी एक ही मुद्दे पर मुलजिम करार हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अपील करके एक्सक्यूज ले लिए हैं। इस तरह की किडनैपिंग शायद आगे भी जारी रहेगी। अगवा करने का कारण पता करना एक तरीका है, लेकिन किसने किया है ये पता लगाना दूसरा। आप लोग जैसा कह रहे हैं, अगर वो देखा जाए तो कोर्ट में गए हुए सारे पॉलिटिशियंस की लिस्ट देखिए, उसमें सबसे ज्यादा ऊपर रहने वाले हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री देवराज जी। एक अंदाजा ही है सर, उनका अगला टारगेट वही है, आप कैसे बोल सकते हैं? कभी कभी अंदाजा ही सही निकलता है। अभी देवराज कहाँ है? पुदूर के सरकारी अस्पताल में सर। देखो राजमणि, इस केस से अगर मुझे बचना है तो इन डॉक्यूमेंट्स पर आपको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। कितने दिन तक घर वाली बाहर वाली दोनों को अस्पताल में रखकर परिवार चलाऊंगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। सर अगर मैं आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया तो आपके किए हुए अपराधों का जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। आप तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन पुलिस तो मुझे अरेस्ट कर लेगी ना। इस केस में अगर मुझे 3 साल की सजा हो गई तो मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। सुनो, मैंने ही तुम्हें डीन बनाया था ना, अगर मैं मंत्री बन गया तो तुम ही मेरे हेल्थ सेक्रेटरी रहोगे। सिग्नेचर करो सर प्लीज। अगर इस इलेक्शन में मुझे सीट नहीं मिली तो वो सब शहर के सभी केस मुझ पर थोप कर अंदर कर देंगे। प्लीज मुझे मत फंसाइए सर। मैं ही जीत कर मंत्री बनने वाला हूँ, तुम्हारे ऊपर से सारे केस हटाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए सर। मलिका देखो तो क्या कर रहा है। डॉक्टर था ना तू, मेरे पति ने तुझे डीन बनाया है ना, सिग्नेचर कर कह रहे हैं, करेगा कि नहीं? चल छोड़ दो, फालतू का क्या टेंशन दे रहे हो? जो करो, तुम्हारी वजह से मेरा बीपी चढ़ गया। अच्छा सुनो जी, यही सारा हिसाब करके इन्हें हमारी कार में ही ले जाकर छोड़ दो। जी भाई। ये सब कौन है? देश में शांति बहाल करने के लिए ये लोग पूरे देश में घूम रहे हैं सर। आज ये हमारे शहर में आए हैं। इस तरह से पहाड़ों पर घूमेंगे तो क्या शांति मिल जाएगी? मारो मारो, बोल रहा हूँ मारो मुझे। नहीं राजू, हमें दुख हो रहा है राजू, मारो मुझे। योद्धा कभी रोया नहीं करते, कविता ने कहा था ना, मारो मारो। शरीर पर पड़ने वाली एक एक मार दिल के अंदर की आग को भड़कानी चाहिए। मारो 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 मारो, मारो।
हमें बहुत दुख हो रहा है राजू। अगर दुख की बात करोगे तो कोई भी अच्छा काम कभी नहीं कर पाओगे। मारो। दुख की बात करोगे तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। क्या भाई, हम सब सुबह से बजा रहे हैं, कौन मरा है? मरा नहीं है, भाई का जन्मदिन है। ड्राइवर, फिल्म खत्म होते ही पिकअप कर लेना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या बैठो? अरे पिक्चर देख लिया है। माचिस है क्या? सबने बंक किया तो ये भी जा सकती थी ना। अब अकेले बैठकर इसको पढ़ाओ। लिथोट्रिप्सी, द यूज ऑफ इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक शॉक वेव टू क्रश किडनी स्टोन्स इनटू फाइन सैंड एंड फ्लश इट अवे व्हाइल पासिंग यूरिन। इफ द स्टोन ब्लॉक्स हेयर, वी यूज लिथोट्रिप्सी टू क्योर इट। मैं तुम्हें पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ, तुम कुछ अलग ही दिशा में जा रही हो। हम लोगों के साथ कभी आती भी नहीं। चुप रह यार, तुम अकेले यहाँ पढ़ने आई हो क्या? हम लोग क्या लोगों की सूरत देखने आए हैं? ए हंस मत रे। ए सुनो, अगर ऐसे अलग अलग भागती रहोगी तो एक दिन गायब ही हो जाओगी। छोड़ना यार, हमेशा उसे ही परेशान करता रहता है। जरा एक सिगरेट देना। वहां लिया ना, भिखारी कहीं का। कविता, तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में पता है ना? कल उसका जन्मदिन था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमें फिल्म दिखाने ले गया था और तुम वहां भी नहीं आई हम लोगों के साथ, इसीलिए तो वो नाराज होकर गया है। राजू को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आर कविता। आप सब लोग अब लगभग डॉक्टर बन गए हैं। जिंदगी एक चमत्कारी चीज है। इस दुनिया में अमीर हो या गरीब, जरूरतमंद हो या बेकार, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव न करने वाली जिंदगी है और बीमारी है। उस जिंदगी को बचाने के लिए और दर्द को दूर करने के लिए आप उसे अपना काम नहीं सेवा मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह नई नई बीमारियां भी बढ़ रही है। इसीलिए आप सब लोग हमेशा सतर्क रहकर अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिएगा। What's the commotion? It's a drowning case, sir. What's the problem, doctor? कुएं में कूद गई थी सर। uh-huh. I think she's asthmatic, so I'll put her on ventilator. Excuse me, sir. I think she badly needs a rescue breathing. Can I do it, sir? Sure, go ahead. Okay. That's good. ऐसे ही अगर परेशानी हो तो फॉर्मेलिटी का इंतजार किए बिना इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। I am proud of you, कविता। इस बैच में सबसे ब्रिलियंट तुम हो। I think you have a great future. सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी सर, आज चाइल्ड लेबर का ब्लैक डे है सर। कई हजार बच्चे पढ़ने की उम्र में मेहनत करते हैं, आपसे जो कुछ भी no. सर प्लीज सर, अपने दोस्तों से कलेक्ट करके देती हूँ। देश को इसकी बहुत जरूरत है। तो तूने पैसे क्यों डाले गुलक में? 10 रुपए का दो। अगर वाकई में चिंता थी तो उस लड़की ने जब मांगा था तब देना चाहिए था ना। या कविता को अपना दोस्त माना होता तो इसमें हम पैसे नहीं डालेंगे, सीधे सीधे कह दिया होता ना। अरे छोड़ना यार, सिगरेट देना। इस सिगरेट के लिए मेरा दोस्त या दोस्त बनने के लिए सिगरेट मांग रहे हो? राजू, आज के बाद अगर तुझसे सिगरेट मांगू ना तो जूते मारना मुझे। चल बे, मारूंगा।
करेगा। मुझे माफ कर दो भाई। आगे ऐसा हरकत करेगा भाई, भाई मैं मर जाऊंगा भाई, मुझे छोड़ दीजिए भाई। मेरी हड्डी तोड़ दूंगा अगली बार करेगा तो। सॉरी बहन जी, तुमने अपने काम से मतलब रखा होता तो इसने तुम्हें छेड़ा नहीं होता। पैसे मांगना तुम्हारा काम है क्या? सॉरी मैडम, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। के बारे में सोचोगे तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। आपकी कंपनी की दवाइयाँ बिल्कुल गलत हैं, इसलिए सरकार ने रोक लगा दी है। अब ऐसे में मैं कैसे खरीद सकता हूँ? अब आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए। आप हड़बड़ी में क्यों हैं सर? भाई अभी फोन करेंगे। तुम शांत हो जाओ बेटी। हेलो, मैं मिनिस्टर देवराज बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या मेरे आदमी आ गए हैं? यहाँ राज फार्मा कंपनी से दो लोग आए हुए हैं सर। उस कंपनी का मेन पार्टनर मैं ही हूँ, वो जहाँ भी सिग्नेचर मांग रहे हैं वहाँ कर दो। पर सर, आपकी कंपनी का ड्रग कंट्रोल लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैंने मेडिकल कॉलेज का डीन क्यों बनाया है? सवाल करने के लिए? ये बात नहीं है सर, बस कहीं कोई प्रॉब्लम। जो कहा है करो। हाँ, उन पेपर्स पर भी साइन कर दीजिए। जाली वोट तो अच्छी तरह मारते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम है ना सर? अब लगाइए सर, अब लगाइए ना सर। हेलो, अलर्ट हो चुकी, निकलने की तैयारी कर रहे हैं हम। निकल रहे बस। हाँ बोल, क्या बोला? भाई, भाई मेरे प्रमोशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते तो। कौन सी क्लास में हो तुम? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। पोएम्स जानती हो? सुनाओ। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? बोल रहे हो? यस सर, थ्री बैग्स फुल। इतनी आती है? अच्छा, बुखार भी तो जाना चाहिए ना। चलो बेटी। राजेंद्र, राजेंद्र कहाँ पढ़ते हो तुम? नहीं पढ़ता। तो क्या करते हो? गैरेज में काम करता हूँ। और ये जख्म कैसे हुए? गैरेज में 10-12 का स्पैनर ढूंढ रहा था, उठा ही रहा था तो पैर फिसल कर मैं बाइक पर गिर गया दीदी। उसके बाद साइलेंसर से टकराया और फिर जल गया। दीदी, गैरेज वाले ने एक दिन की छुट्टी दी है, काम पर जाना है। कब जाने दोगी दीदी? जैसे ये जख्म ठीक हो जाएंगे ना। डेस्ट रोज लगा दो, ठीक है? ओके मैडम। सुबह शाम को ड्रेसिंग करना। जी मैडम। और आपके पति क्या करते हैं? वो बोल नहीं सकती। एक बार मेरा बाप दारू पी कर आया और उसकी गर्दन पर पैर रख दिया, नस कट गई और उस दिन से ये बोल नहीं पाती दीदी। वो सब छोड़ो, वो बहुत पुरानी बात है। मैं घर कब जा सकता हूँ? थोड़ा घूम जाओ। खाना खाया तुमने? पैसे नहीं है इसीलिए खाया नहीं। पैसे क्यों देने हैं? यहाँ सब पैसे से मिलता है दीदी। ये क्या है? बस खाली 5 रुपये, सब लोग 20-20 रुपया देते हैं मुझे। माँ, ये दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने जूस पीने को कहा था ना, पिताजी से बोलकर मंगवा देना। ये लो। नहीं दीदी, आप खाइए। अरे खा लो। नहीं नहीं, खाइए ना। ये लीजिए, आप खिला दीजिएगा, भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। दीदी दीदी। क्या हुआ? आपका नाम क्या है? कविता। थैंक्स दीदी। जल्दी घर चले जाओगे। सॉरी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। राजेंद्र, अरे कहाँ गया वो? गया। डिस्चार्ज हो गया? वो मर गया, मॉर्चरी ले गए हैं। Oh,
केस की रिपोर्ट कहाँ है? शायद इन्हीं में है मैडम। राजेंद्र कैसे? मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। अरे क्या कर रही है? मैडम मैडम रुक जाइए मैडम। डॉक्टर राजेंद्र नाम का एक लड़का 12 साल का था, मर गया। मरने की वजह देखिए रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, देखिए। सडन फिट्स लिखा हुआ है? नहीं डॉक्टर, उसे फिट्स आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो काफी हेल्दी था और रात को डिस्ट्रोस दिया था, उसमें ही प्रॉब्लम थी। ये देखिए और से देखिए ये कितना गंदा है, इसी जहर की वजह से वैसा हो गया। मनी इनके किसी बैचमेट को बुला। जी सर। जल्दी अस्पताल में इस तरह की डेथ होना नॉर्मल बात है। नो डॉक्टर, ये डेथ नहीं है, मर्डर है। दवा के नाम पर उसे जहर दिया गया है, इसी वजह से वो मरा है डॉक्टर। उसकी बॉडी को मैंने देखा था, पूरा नीला पड़ गया था। उसे छोड़ना नहीं चाहिए डॉक्टर, जिस कंपनी ने ये सप्लाई किया उसे छोड़ना मत डॉक्टर। माइंड योर वर्ड कविता, डोंट फॉरगेट यू आर अ सर्जन एंड यू आर टॉकिंग टू अ डीन। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, जो मुंह में आ जा रहा बोले जा रही हो। लुक एट दिस लिप, सम राज फार्मा। अब तक सुना ही नहीं मैंने, हमारा अस्पताल यहाँ से कोई भी आइटम नहीं मंगाता है। अब वो पेशेंट अपनी पहचान से कहीं से कुछ ले आया होगा, हम जिम्मेदार नहीं है। इट्स ओके, ड्यूटी ऑफिसर से पूछूंगा क्या हुआ कैसे हुआ, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलूंगा। राज फार्मा से एक भी प्रोडक्ट हम नहीं लेते, डीन ने कहा था। तो फिर इसका मतलब यह है कि इन सब से डीन का जरूर कोई संबंध है। गड़बड़ है, बहुत बड़े लेवल पर कुछ तो गड़बड़ है। भगवान, पहले स्टोर रूम में जाकर किसी भी वार्ड में उसे भेजने से रोकना होगा। जल्दी डाल गाड़ी में। जी सर। हाँ हेलो, हाँ लोड हो गया सर गाड़ी में, हम निकल रहे हैं बस। अरे क्या भाई, लाने में इतना टाइम लगता है क्या? मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा भाई। एक्सक्यूज मी, राज फार्मा से आयु सराइन बॉटल्स को किस किस वार्ड में सप्लाई किया गया है? राज फार्मा, उस कंपनी से तो हम लोग कभी कोई दवा नहीं लेते। मुझे सब कुछ पता है, सबसे पहले कौन सा स्टॉक है वो देखो। आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं मैडम? ये देखिए प्रगति फार्मा, यहाँ से हम सारी दवाइयाँ मंगाते हैं। आप खामखा चिल्ला रही हैं। क्या चाचा, आजकल ज्यादा लोग मर रहे हैं? हाँ बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। कहीं वो जहर या शराब पी कर तो नहीं मर रहे? क्या पता, देखने में सब अच्छे खासे दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं सर क्यों मर रहे हैं। राजू कोई बात पता है क्या? नहीं, वो हॉस्टल में है, मैंने उसे बुलाया है। बैठो आराम से। कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, लोगों की सेवा करेंगे, इस तरह के बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन सब में डीन भी शामिल है। हम लोग क्या करेंगे कविता, हम लोग हाउस सर्जन है, डीन के कंट्रोल में है हम लोग। वो MBBS की डिग्री देगा तो ही हम पास कर पाएंगे। अगर उनसे पंगा लेंगे तो हमारा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। लीव दिस मैटर कविता। कविता का कहना एकदम सही है, इतनी बड़ी गलती हो गई, उसे सुधारने के बजाय पचड़ों में पड़ने की बजाय जाए यहाँ से, ये हमारा काम है क्या? हमारी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया है और तुम लोग थोड़ी सी भी इंसानियत के बदले अपनी अपनी परेशानी दिखा रहे हो मुझे। ऐसा नहीं है कविता, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। राजू को आने दो, राजू को आने दो, राजू को। राजू, एक छोटा सा लड़का, इसके पहले रोना बंद करो, मुझे सब पता है। पता है ना, इस अस्पताल की दवाइयों पर भरोसा करके ही हम लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन उसमें भी धोखेबाजी हो रही है। यहाँ के टीम को सब कुछ पता है, लेकिन ये लोग भी मेरी बात नहीं मान रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। राजू कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगी? हम हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएंगे और उनसे न्याय मांगेंगे। जिस हेल्थ मिनिस्टर से तुम न्याय मांगने की बात कर रही हो, वो इस अस्पताल में दवाई सप्लाई करने वाली कंपनी का मालिक है। अगर शिकायत करने निकलोगी तो सबकी एक चेन बनती चली जाएगी। का मतलब है कि हम ये सब यहीं ऐसे ही छोड़ दें? और हम कर भी क्या सकते हैं, यहाँ सबके काले कारनामे मालूम होते हुए भी उसे नजरअंदाज करके जीना सीख लिया है। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम इसे बदल सकती हो तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ये ऐसे ही रहेगा और इसे देख देख कर ऐसे ही जीती रहो। ऐसे देखते रहे राजू,
कैसे देखते रहूं मैं? उस लड़की के जख्म पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे। अब तुम भी मुझे नहीं समझ रहे हो राजू। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जैसे रो रही हो 24 घंटे ऐसे ही रोती रहोगी क्या? मेरी बात सुनो, कोई भी आदमी हमेशा एक जैसा नहीं होता कविता। मेरी बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, समझ जाओगी। इच्छा है दीदी, मेरी माँ किसी तरह से बोलना चालू कर दे, चाहे कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो दीदी, मैं गाड़ी की दुकान पर काम करके पैसा वापस कर दूंगा। आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ठीक है। थैंक्स दीदी। इस देश में कुछ लोगों ने फर्ज के लिए अपनी जान तक दे दी है, फिर मैं सब कुछ कैसे देखती रहूं राजू? सबका दिल नर्म ना रहकर पत्थर बन चुका है क्या? नहीं, मुझसे नहीं होगा राजू। मैं कार लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन तुम तो हिम्मत वाले हो। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं चुपचाप बैठी रहूं? नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है राजू। तुम हिम्मत वाले हो, एक अच्छे इंसान हो, एक ऐसे इंसान जिसे सही और गलत की समझ है। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मुझे विश्वास है कई लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। अरे एक सिगरेट के लिए तीन माला चढ़ना पड़ता है। राजू, ए राजू, ए राजू, रात को ज्यादा पी ली थी क्या? रूम पर भी नहीं आया, यहीं सो गया। रात को कविता अस्पताल से नहीं आई, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। ए, क्या हुआ तुम्हें? कविता, अभी तक वही सोच रही हो क्या? मरने वाले से तुम्हारा क्या संबंध था? ए, कविता, 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 इस तरह बिना रिश्ते नाते वालों के बारे में सोच सोच कर रात भर जाग कर यहां पागलों की तरह क्यों बैठी हो? कौन था? तुम्हारा भाई था? दिमाग खराब हो गया है। पहले इसे पियो। रिश्ता होगा तभी इंपॉर्टेंस दोगी क्या? अभी दिखाती हूँ। दादी माँ, दो इडली देना। दादी माँ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। कविता, कविता, अरे कोई उसे बचाओ। कविता, ये क्या कर दिया कविता तुमने? ये क्या कर लिया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। कुछ नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, पागल हो जाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा, क्या करूं? यहाँ पर राजू कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। मेरी कविता कैसी है,
कैसी है? कविता, ए, कवि, कवि, कविता, 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 कवि, कविता, कविता, कविता। दवाई की कंपनी केस में निकला नया मोड़। राज फार्मा आखिर किसकी कंपनी है? भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री देवराज रिहा हो जाएंगे क्या? सॉरी सर, सॉरी। हम ही लोग हैं जो कानून को सिर पर रखकर चढ़ाए हुए हैं। जरा इनको देखो तो, ये देखो समझ सर, इस विज्ञापन को ध्यान से देखो। इसमें कोई फोटो नहीं है और ना ही पूरी बात लिखी है। अपने अगले ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हम सरकारी अस्पताल में मिलेंगे। जहाँ जहाँ चाय गिरी है वहाँ शब्द छोड़कर पढ़ता हूँ। तुम सुनना सर, हमारा अगला ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में। आप लोग जरूर मिलें, अवश्य मिलें। छोड़ छोड़ कर पढ़ने से जरूरी बातें बाहर निकल रही हैं, है ना? यस सर। संतोष राज, उम्र 51 साल, देवराज, देव संतोष। माय गॉड, इट्स देवराज। Yes, उसकी भी उम्र 51 साल है। Yes, सारी चीज वही है, मैच हो रही है। इट्स सेम सर। ओह गॉड, अगवा करने वालों का कम्युनिकेशन मेथड यही है। वी हैव टू डू समथिंग। पुदूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैन एंट्री। प्रीति, ये सोने की जगह है। उठ, उठ। कहीं भी सो जाती है। बाला विचेर, जय कुमार। May God bless you. You get rid of all your problems, my child. नाम क्या है? मुकेश है जी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 45 साल। क्या हुआ है तुम्हें? क्या राजा राम, क्लिनिक पर नई सिटी स्कैन मशीन लगा ही दी। हाँ, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी भाई। भैया, इसको कहाँ ले जाकर रखूँ? ए, 10 पैसे का भी फायदा नहीं है। इस अनाथ आदमी के लिए क्यों मेरा जीना हराम कर रहा है? डाल दे अंदर। डॉक्टर, डॉक्टर, दर्द हो रहा है। हेलो सर, इंस्पेक्टर समीर बोल रहा हूँ। तुम कर क्या रहे हो वहाँ? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो तुम? सर मैं राउंड्स में था सर, मेरी बातों से किसी को शक ना हो जाए इसलिए अलग आकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी वहाँ क्या पोजीशन है? एनी सस्पेक्ट्स? अब तक तो शक करने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। हमारे यहाँ के डॉक्टर के भेष में, वार्ड बॉय के भेष में, हॉस्पिटल में चारों तरफ वॉच कर रहे हैं सर। आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैं वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ सर। मैंने हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है सर। मिस्टर देवराज के रूम 312 में हमारे आदमी प्रॉपर सेटअप के साथ वेट कर रहे हैं सर। कोई भी कहीं से भी किसी भी भेष में आएगा तो तुरंत पकड़ लेंगे सर। वेरी गुड, इसी तरह अलर्ट रहो। हर 5 मिनट पर मैं ही कॉल करूंगा तुम्हें। ओके सर। एसन जी, इस फोन को जरा चार्जिंग पे लगा दे। जी भाई। मुझे यहाँ ऐसे क्यों बैठा कर रखा है? अब इस केस से मैं छूटने वाला हूँ। अभी अस्पताल का नाटक भी 1 या 2 दिन का ही होगा, उसमें भी वहां से यहाँ बदलकर, यहाँ से वहां बदलकर मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अपना फोन दो मुझे। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है सर। फालतू की सुरक्षा? आप लोगों की सुरक्षा हम नहीं जानते हैं क्या? एक अपने शरीर पर बम लगाकर फट गया, उसके बाद सारे लोग शरीर की तलाशी लेने लग जाते हो। कोई पैरों में रखकर लाएगा तो उसे छोड़ दोगे। खून होने के बाद स्पॉट के चारों तरफ तुम लोग तगड़ी सुरक्षा बना देते हो। देखो पांडे, मैं अपनी सुरक्षा करना अच्छे से जानता हूँ। जाओ ना, अपना काम करो। हर बार कैलकुलेशन गलत नहीं होती है सर, इस बार उन्हें जरूर पकड़ लूंगा। चलो
देखो जरा संभल करके चलना ठीक है। क्यों भाई व्हीलचेयर क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं डॉक्टर ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा संभाल कर चलो चलो संभाल कर चलो चलो। अरे बाप रे लड़कों को इस कमरे में आने से रोकना होगा। हाँ हाँ तीसरे दिन कंफर्म्ड है। क्या करने आया था यहाँ? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? अब बोल, एसी में ही कुछ करने आया था ना? क्या करने आया था? बोल, ले, बोल दिया, डर जो करने आया था? इसमें बैठ जा, आ जा। देखो क्या है यहाँ। अरे टेंशन मत लो, गंगा कावेरी का मुद्दा ही उठाना है ना बस। हेलो समीर, समीर, हेलो समीर, हेलो इस फाइल को वहां भेज दो। जी मैडम। गुड मॉर्निंग सूर्या हॉस्पिटल। हेलो मैं डीआईजी ऑफिस से बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर देवराज से बात करनी है। आई एम सॉरी सर, द एएसपी हैज गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दैट नो कॉल टू बी रूटेड टू मिस्टर देवराज रूम विदाउट हिज परमिशन। हाउ मे आई हेल्प यू सर? तुम लोग कर क्या रहे हो वहां पर? इतनी सिक्योरिटी होते हुए अंदर कैसे आ सकता है वो? हॉस्पिटल बंद कर दो, कोई भी पेशेंट अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबको चेक करो। ओके सर, हम राउंड अप कर लेते हैं, एएसपी सर आ रहे हैं, चलो चलते हैं। उधर देखो राजू को दिखा रहा है। व्हाट? एक सेल? सूर्य, सूर्य, हाँ सूर्य हॉस्पिटल। 5 मिनट्स? ओके हमें 5 मिनट में वहां पहुंचना है। देखो चारों तरफ घूमो, देखो कल वापस आ जाना।
तभी कहा है? व्हाट हैपेंड? मॉर्चरी रूम से जब वो आपसे बात कर रहा था तो तब किसी ने उस पर अटैक किया। मतलब का कारण मत बताइए। सॉरी सर। अपना डिपार्टमेंट बदल लीजिए आप। गुड मॉर्निंग सूर्य हॉस्पिटल। आपके हॉस्पिटल में बॉम्ब रखा है, 5 मिनट में फटने वाला है, अपने आप को बचा लो। बॉम्ब, बॉम्ब। ये राजू का ही प्लान होगा, हमारा काम आसान हो जाए इसलिए उसने ये सब किया होगा। चलो जल्दी करो। अपनी पर्ची दिखाओ। ये देखिए सर। 8 नंबर पे जाओ। वो कहाँ पर है सर? आगे जाके देख लो। ठीक है सर। मैं बहुत देर से खड़ा हूँ साहब, पैर बहुत दुख रहा है। पहले अंदर के आदमी को तो बाहर आने दो। ए, तुम अंदर जाओ। राजू क्या हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर से दवा लेने आया। ठीक है, ठीक है। व्हाट? सूर्य हॉस्पिटल से देवराज को अगवा कर लिया? था, कैसे हो? राजू के पैर में चोट लग गई। अरे बाप रे। आपके पास कोई दवा होगी तो दीजिए ना। हमारे पास कोई दवा तो नहीं होगी। हाँ रुकिए, मेरी सासू माँ के पास जरूर दवा होगी, उन्हें देसी उपचार आता है, मैं उनको भेज देती हूँ। ठीक है। अस्पताल में कौन सा बड़ा इलाज कर देंगे, कैंची से 2 बार चीर देंगे और ज्यादा फट गया तो उसे सील देंगे। देखो तो इस जख्म पर भी जरा सा मलहम लगा कर भेज दिया। अरे हाँ, इतना बड़ा जख्म हुआ कैसे? ये बहुत बड़ा नेचर लवर है, अब पत्थर और पेड़ को थोड़ी पता है ये बात। फोटो खींचने के लिए किसी खंबे पर चढ़ गया, नीचे गिर गया और पैर जख्मी हो गया। मेरे देसी उपचार से कितना भी गहरा जख्म क्यों ना हो, वो ठीक हो ही जाता है। सुनो बेटा, तुम तो यहीं पर हो ना? हाँ जी। रात 12 बजे एक बार फिर से यही लेप लगा देना। अभी मैं जो लेप लगा रही हूँ वो सूख जाएगा, इसे अच्छी तरह से निकाल लेना और ये फिर से लगा देना। जी। नाम के लिए डैम इंजीनियर हूँ, पीने के लिए पानी मांगो तो देने वाला कोई नहीं है, अब 4 सालों से इन सब की आदत हो गई है। आओ चलो। अब हो गया, आओ चलते हैं। चलो वर्धा। हाँ। मैं इधर ही रुक जाता हूँ। ये लो चाबी। ठीक है। हे। हाँ। पूछेगा नहीं क्यों रुक रहा हूँ? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हे तो जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, मैं जानता हूं, नहीं पूछूंगा मैं।
मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपने जो रोप कार से टिश्यू कलेक्ट किया था और कल जो टिश्यू हॉस्पिटल से कलेक्ट किया, वो दोनों एक ही आदमी के हैं। दोनों परफेक्टली मैच हैं। ये टिश्यू बॉडी के किस हिस्से का है बता सकते हैं? ओह यस, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं। पैर के निचले हिस्से से आया है। वन मोर इन्फॉर्मेशन, आपने जो टिश्यू दिया था उसमें जीन्स पैंट का धागा भी था। थैंक यू। सुनो भाई, तुमने जिन्हें दवा लगाई उनमें घुटने से नीचे चोट लगे 25 से 30 साल के लोगों में से किसी का चेहरा याद है तुम्हें? नहीं सर, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए पहले डॉक्टर की पर्ची देखते हैं, उसका घाव देखते हैं, फिर उस घाव पर हम दवा लगाते हैं। अच्छा, वो रसीदे कहाँ हैं? ये यहाँ पर है सर। इस स्लिप पे जो सिग्नेचर है वो हमारे हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये किसी डॉक्टर का ही सिग्नेचर है। सर, राजू का नाम इस रजिस्टर में नहीं है सर। सर सुनिए जी, हमारी दीपा घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? सब जगह ढूंढ चुकी हूँ पर कहीं पर नहीं मिली। दीपा कहाँ जा सकती है? दीपा, क्या बात है दीपा? राजू कहाँ है? राजू कहाँ है? राजू, राजू तुम्हारे एहसानों का धन्यवाद, जा रहा हूँ। राजू वो देखिए, वो रहा राजू, वो राजू दीपा, है रुक दीपा, रुको। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें देखने के लिए। अब देख लिया ना, जाओ। मुझे खुद से क्यों अलग कर रहे हो? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मुझसे कुछ मत पूछो, पहले यहाँ से जाओ। भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। क्या प्यार है? तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और क्या जानती हो? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो ये पूछ रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम क्या पागल हो गई हो कविता? कविता, ये कविता कौन है? मुझे ऐसे मत देखो दीपा, ऐसे मत देखो। कविता के जिंदा रहते हुए जो काम मैं नहीं कर सका था वो मरकर मुझे समझा गई। तुम मेरा एक ही चेहरा जानती हो, दूसरा चेहरा तुम्हारे पिताजी ढूंढ रहे हैं। मैं जिसे आग समझकर दूर जा रहा हूं, तुम उसे छांव समझकर पास आ रही हो। ये कभी नहीं हो सकता दीपा। डैडी, नो, हिलना मत। कौन है बेतू जिन्हें तूने अगवा किया? उनके साथ क्या किया? मार डाला? बोल 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 बोल।
एक एक करके सबको अगवा करेगा तू है? तू खेलता रहा और हम उंगली मुंह में रखकर तमाशा देखते रहे। कमीने बोल, बोल नहीं तो तू कभी भी बात करने लायक नहीं है। इस तरह से घोटाला करने वालों में से किसी से पूछताछ की है क्या? बोलो। हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ। यस सर। क्या हुआ, पूछताछ की? कुछ बोला क्या? पूछताछ कर रहे हैं सर। सीबीआई वाले इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उनके पास लेकर जाओ। अभी उसने अपना मुंह जो मैंने कहा वो करो। इसे उठाकर गाड़ी में डालो। उधर देख, इन सारे लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी है, देख रहा है? हैं? लेकिन साले आखिर तू ऐसा क्यों है? इन लोगों की तरह सारे लोग खुश रहे इसीलिए मैं ऐसा बना हूं। राजकुमार सिंह, MBBS, पिता का नाम नरेंद्र सिंह, माँ का नाम कमला देवी। बोलिए डॉक्टर, ये सब आपने क्यों किया? क्या चाहिए आपको? नीति चाहिए, न्याय चाहिए, अगवा किए लोगों के काले कारनामों का खुलासा चाहिए हमें, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से चाहिए। लोग और मीडिया वालों के सामने ये सब होना चाहिए। इन सब का इंतजाम आप करेंगे तो मैं अगवा किए लोगों को लेकर आऊंगा। उन सब लोगों पर बहुत सारे केस हैं डॉक्टर, उन सबसे पूछताछ चल रही है। राजू, बी रिजनेबल। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट दे, ये इतना आसान काम नहीं है। आसान बनाना होगा, करना होगा। मैं जो कुछ भी मांग रहा हूं वो मेरे खुद के लिए नहीं, नो, बल्कि उन भोले भाले इंसानों के लिए मांग रहा हूं जो हमेशा तुम लोगों के अन्याय और भ्रष्टाचार का शिकार होते रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। इन सब का जब तक आप इंतजाम करेंगे तब तक मैं इंतजार करूंगा। उससे पहले अगवा हुए लोगों की भनक तक आपको नहीं मिलेगी। Hey, I got the camera. तैयार करो जी। Out, out, come on, quick. राजू की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, उसने जो किया ठीक किया। राजू जैसा आदमी हर गांव में होना चाहिए साहब। उसने जो कुछ भी किया है वो तो मुझे बिल्कुल ही न्याय संगत लगता है। ऐसे एक दो इंसान हर राज्य में हो जाए तो देश सुधर जाएगा। राजू यहाँ पर घोटाले रोकने की कोशिश कर रहा है और कल एक नेता टीवी पर कह रहा था कि ये आम बात है। अगर देश की जनता उसके बीवी बच्चों की इज्जत उतारे और बोले कि ऐसा होता रहता है तब पता चलेगा इसका मतलब। हे, एक यूथ ही ऐसे बात कर सकता है, मैं तो राजू को ही सपोर्ट करूंगी। इस तरह के लोग अगर सभी राज्यों में हो जाएं, तब तो हमारा देश जल्दी सुधर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किडनैपिंग में भागीदार उग्रवादी राजू को जनता के बीच प्यार और आदर मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। राजू जो कर रहा है क्या आप सबको न्याय लगता है? उसकी मांग करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
राजू की रिहाई के लिए ऑन पब्लिक इंटरेस्ट मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दूंगा। अगवा कर लिया कहते क्या अगवा कर लिया, सोना चांदी अगवा कर लिया, किसी की लड़की को अगवा कर लिया, मेरे बच्चे को अगवा कर लिया, घोटाले बाजू को अगवा किया है। हर बार इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग जीत कर आते हैं, इसलिए जनता की सेवा करने के लिए ना इतने पैसे खर्च करके ये लोग जीतते हैं और घोटाले पर घोटाले करते रहते हैं। ऐसे नेताओं से न्याय की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कौए के मुंह से प्यार से रोटी नहीं मिलती है, हमें उससे छीननी पड़ती है। यहाँ पर क्यों सवाल कर रहे हो, बिना गलती करने वाले को जेल में डाल दिया, हमें भी भले ही जेल में डाल दो, हम उसी का साथ देंगे। अगर सरकार ने जल्दी उसकी बातें नहीं मानी, हम लोग अनशन में जाएंगे। राजू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हम उसी का साथ देंगे। हम न्याय चाहिए बोलते रहते हैं, लेकिन वो करके दिखाया वही सच्चा आदमी है। चर्चित राजू के केस में एक नया मोड़ आ गया है। अपनी बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग करने वाले राजू के बयान को एक खुली जगह में जहां बहुत सारे आम नागरिक होंगे 5 न्यायाधीशों के सामने दर्ज किया जाएगा। इसमें नियुक्त यही 5 जज इस केस से जुड़े 17 पुराने मामलों की भी सुनवाई करेंगे। इन 5 जजों के सामने कल राजू को दिन में 11 बजे सुनवाई के लिए हाजिर किया जाएगा। कौन है सर वो? वही एक सड़क छापना मनमानी करके सरकार को धमका रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उससे सच निकलवाने के बजाय आप लोग उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो हमें कहिए, हम देख लेंगे। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, अभी उसके हाथ में 7 लोगों की जान है, ये मत भूलिए। अच्छा तो उसकी डिमांड मानकर न्यायाधीश न्याय करेंगे और वह मान लेंगे? वो लोग ऐसे फैसला नहीं दे सकते, अगर दे भी दिया तो सरकार इस मामले में चुप बैठी नहीं रह सकती। सरकार चुप रहेगी या कुछ करेगी लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर उसे नहीं देखेगी तो तुम मर जाएगी क्या? मर जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरी परेशानी में उन्होंने ही मेरा साथ दिया था, आप लोग समझते क्यों नहीं? ये सब क्या है जी, हमारी बेटी को क्या हुआ? वो बहुत अच्छे हैं। जिंदाबाद। मेरी इच्छा पूरी करके यहाँ आए हुए न्यायाधीशों, टीवी वालों, अखबार वालों और जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, फिर भी मैं आपके सामने उग्रवादी बनकर क्यों खड़ा? जो अगवा हुए उनका और मेरा रिश्ता क्या है? राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम भी ऐसा ही सोचा करते थे, लेकिन नेताओं के किए हुए घोटालों से और अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखने के बाद हम इस अपहरण के रास्ते पे उतर आए। जुलूस, आंदोलन, अनशन, सब तरह से न्याय मांग मांग कर थक कर आखिर में हमने ये रास्ता अपनाया। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तुमने कहा था कि तुमने जिनका अपहरण किया है तुम उन्हें रिहा कर दोगे। यदि आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड देंगे तो मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा। What do you mean? Yes. घोटाले और धोखाधड़ी का ही मैं न्याय मांग रहा हूँ। सरकारी ठेकेदारों द्वारा बनाई गई इमारतों के गिरने से होने वाली मौतों के लिए क्या इनको सजा नहीं मिलेगी? किसान अपना कर्जा न चुकाने की वजह से अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर बैठते हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? मंत्री के अपने लोग बेधड़क होकर नकली शराब बनाते हैं जिसकी सजा हमारे समाज को भोगनी पड़ती है, जहरीली शराब पीकर, इसकी सजा नहीं मिलेगी क्या? 1 महीने में जहां आदमी अपना सेलफोन बदल देता है वहीं लोग 1 जून की रोटी ना खाने की वजह से मर रहे हैं, धूप से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भूख से मर रहे हैं सब। जिनकी वजह से यह हो रहा है उनको सजा नहीं मिलेगी? दवा कंपनियों के नकली दवा बनाने की वजह से जो लोग मर रहे हैं क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? सब जानते हैं किसके पीछे कौन है। ऐसे घोटाले करने वालों को अगर मैं खूनी बोल रहा हूँ तो क्या गलत है? हमने जिन 7 लोगों का अपहरण किया वो कौन है? वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा मुजरिम करार दिए गए। उन सभी लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है।
और वो सजा से बचने के लिए हर बार अपर कोर्ट में अपील करके और कानूनी दाव पेच लगाकर सजा से बचे हुए हैं और आराम से बाहर घूम रहे हैं। ये सब देखकर लोग ऊब चुके हैं। इन घोटाला करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे ऐसे लोगों को सबक मिले कि अगर ऐसा घोटाला किया तो कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसे लोगों को मौत मिलेगी। कोर्ट नहीं, आगे सिर्फ शमशान है। ये डर आपको अपने न्याय से बनाना होगा। ऐसे लोगों के लिए कोई दूसरा दंड नहीं है, केवल मृत्यु दंड है। एक अकेले इंसान की बात को मानकर हम कानून को नहीं बदल सकते हैं। अगर इन लोगों का गुनाह साबित भी हो जाता है तो भी हमारे कानून में इन्हें मृत्यु दंड देने का प्रावधान नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ योनर। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून हो तो हम इन घोटालों से अपने देश को बचा सकते हैं। कानून पास करने वाले हमारे नेता ही हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन घोटाला करने की नियत से आए नेता क्या बदलाव करेंगे? बेशर्मों की तरह खादी की भी परवाह ना करते हुए हमारे कोर्ट के परिसर में खड़े होकर बिना शर्म और लिहाज के ऐसा इंटरव्यू देते हैं जैसे वो गुनहगार नहीं, धोखेबाज नहीं, बल्कि साधु हो। क्या ऐसे लोग कानून बदलेंगे? और दिल के दौरे का बहाना करके अस्पताल में भर्ती होके तारीख पे तारीख लेकर न्यायालय को गुमराह करके ये दोगले नेता कानून को बदलने की जगह पर खुद के फायदे के लिए नए नए रास्ते निकालेंगे। ये गरीब अपने खून के एक एक कतरे को पानी की तरह बहाकर रोड पर, गटर में, गली में और कुएं में रोज रोज काम करके पैसे कमाते हैं ताकि वे अपने बच्चों को पाल सके और कम से कम एक चुनकी रोटी खिला सके। गेहूं, मिट्टी का तेल, मिर्च, नमक, सब्जी, यहाँ तक कि अपने पीने के पानी में भी और तन ढकने वाले कपड़ों में भी कटौती करके सरकार को किसी न किसी रूप में पैसे देते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे ये नेता उन पैसों का आसानी से घोटाला करके अपने देश के बाहर दूसरे देशों में करोड़ों की जायदाद बनाते चले आ रहे हैं, अपने देश के खजाने को खाली करके महंगाई का बोझ लोगों के सर पर डाल डाल कर लोगों का जीना हराम कर दिया है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये भ्रष्ट और धोखेबाज नेता ही नहीं बल्कि हम सब भी हैं। ऐसे लोगों को हर बार वोट डाल डाल कर जिताने वाली इस बेवकूफ जनता को देखो, देखो इन्हें। यही जनता नेता को अधिकार देकर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट भेजती है और वहाँ ये ऐसे कानून बनाते हैं जिनसे सिर्फ इनका ही भला हो। कानून में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अगर किसी को है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन न्याय का ये मंदिर भी कई बार असली गुनहगार को सजा देने के बजाय और गुनाह करने के लिए आजाद छोड़ देता है। एक आम इंसान हर जगह से हार कर अंत में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से ही उम्मीद रखता है कि उसे वहाँ से तो न्याय मिलेगा। और हर हिंदुस्तानी को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इंडिया में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कितने लोग हैं उसकी जानकारी लेने के लिए सरकार को आज्ञा आपके न्यायालय ने दी थी। जब इनका हिसाब सर्वोच्च न्यायालय रखती है तो घोटालों का हिसाब क्यों नहीं रखती? ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देने का आरंभ होना चाहिए और आपका न्याय एक अद्भुत न्याय होना चाहिए। मिस्टर राजेश्वर, उन्हें जिंदा देखे बिना हम आपकी बात कैसे मान सकते हैं? उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचाते हुए आपको वापस कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। अगर हम चाहते तो उन्हें सजा दे सकते थे लेकिन नहीं दी, क्योंकि न्यायालय पर अब भी हमें भरोसा है। हमने उन्हें सही सलामत वापस कर दिया है, अब आप न्याय दीजिए। कानून के आधार पर ही हम गुनहगार को दंडित कर सकते हैं, सिर्फ आपकी इच्छा से कानून को नहीं बदल सकते। अगर इन सबका गुनाह सिद्ध होता है तो इन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ आपकी बातें सुनकर हम इन्हें दंडित नहीं कर सकते। हट बे! इतने अन्याय करने वाले इन हरामखोर चोरों को अगर सर्वोच्च न्यायालय दंड नहीं दे सकता तो हम लोग मिलकर इन्हें दंड देंगे। न्याय करने वाले को सजा देते हैं और अन्याय करने वाले को छोड़ देते हैं मारो सालों को। इन्होंने घोटाला किया है, ये सभी देशद्रोही हैं, इन्हें कुचलकर मार डालो। अगवा हुए लोगों को बचाया जाए, अपहरणकर्ता को कैद किया जाए, अदालत पुलिस को ये आदेश देती है। इन सब लोगों ने इतने घोटाले किए हैं, आप क्या न्याय सुना रहे हो? यही कानून है। मार डालो सालों को। अगर
अगर इसके बाद भी हम चुप बैठे रहे तो हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मारो सालों को। दो, मुझे दो, रिवॉल्वर मुझे दो। राजू को गोली मार दी, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मारो इन सबको। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा कि देश के उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले को मैं कैद करूं। तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारा जो तरीका है, वो भी मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा। तुम लोग जिस कानून की इच्छा करते हो वो बनना चाहिए। काश हर कोई ऐसा ही सोचता। मैं दीपा बनकर तुम्हारे साथ नहीं आ रही, बल्कि कविता बनकर तुम्हारे साथ ही रहूंगी।